ट्राइबुल का सेटअप देता हूँ, वैसे हमने मॉर्निंग में दिया, हमने मॉर्निंग में दिया था, इंट्राडे के लिए बुक किया, ये पोजिशनली मुझे अभी 300 के पार जाने की तैयारी लग रही है, 274-75 में भी करेक्शन आता है 272 तक बाय करे, 268 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 300-305 का एक से दो दिन में भी, 3 दिनों का टारगेट है और शायद ये ऑन द अपसाइड सरप्राइज करेगा। वेदांता 270 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने जो फोर्स से निकाला है, मुझे लगता है ये 280-282 के दिन के लेवल्स आज के दिन में ही लेके जा सकता है और पोजिशनली इसमें भी 295-300 के टारगेट्स है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक में नजर रखें, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे 645-646 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर यहाँ से मोमेंटम अब बढ़ना चाहिए, ऊपर में 655 रुपए से लेके 665 रुपए तक के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत दिनों के बाद चलना स्टार्ट किया है तो इजिली रुकेगा नहीं, एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए, ऐसा होने पे इन बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 634-635 नीचे में सपोर्ट है तो 634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 655 और 665 ये टारगेट जल्दी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है, 650 वाला कॉल अभी 13 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 650 के कॉल पे खरीदारी करें, ऊपर में 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के टारगेट 650 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल के हिसाब से 655 से 665 के लेवल देखने को मिल सकता है, तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।